बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मंगल 14 मई से लेकर 20 मई तक के महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश खिदमत है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान भर के मौसम का हाल बताएंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खबर, पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम बताएंगे। तो पाकिस्तान के तमाम इलाकों की तफसीलात मौजूदा वीडियो को पूरा देख लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन आज के मौसम की सूरत हाल की। तो आज मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में ज़्यादातर मकाम पर मौसम साफ और खुश्क है। ताहम नाज़रीन आपको अपडेट करता चलूँ कि ये जो हमारे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं तो इनके ज़्यादातर मकाम पर मतला जुजू या बारह ग्रहण के साथ साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी बारिश हो सकती है। ताहम ज़्यादातर मकाम मौसम खुश्क ही रहेगा, यानी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर मकाम पर आज मौसम साफ और खुश्क है। ये है नाज़रीन 15 मई का नक्शा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के 100% इलाकों में मौसम साफ और खुश्क है, किसी भी अच्छी बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। यह है नाज़रीन 16 मई का नक्शा जिसमें आप देख सकते हैं कि 16 मई को भी पाकिस्तान के ज़्यादातर मकाम पर मौसम साफ और खुश्क रहेगा। तहम नाज़रीन आपको अपडेट करता चलूँ कि जनूबी पंजाब, कराची समेत सुबह सिंध और कोटा के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है। यह है नाज़रीन 17 मई का नक्शा, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मशरकी बार्डर के साथ इलाके हैं तो इनके मकाम पर, इसके साथ साथ बलोचिस्तान के जो मशरकी बार्डर के इलाके हैं तो इनके मकाम पर मतला जुजू या बारह उदहन के साथ साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तहम ज़्यादातर मकाम पर मौसम साफ और खुश्क रहेगा पाकिस्तान के तमाम इलाकों में। यह है नाज़रीन 18 मई का नक्शा, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं कि 18 मई को पाकिस्तान भर के तमाम इलाकों में 100% इलाकों में मौसम साफ और खुश्क और गर्म रहने की तवक्को है, किसी भी खातिर का बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको अपडेट करता चलूँ कि ये है नाज़रीन 19 मई का नक्शा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19 मई को कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सुबह बलोचिस्तान के मशरकी इलाके, सुबह खबर पख्तूनख्वा के चांद एक मशरकी बार्डर के इलाकों के साथ के इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। तहम ज़्यादा मकाम पर पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मौसम साफ और खुश्क रहने की तवक्को है। जनूबी पंजाब, कराची समेत सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 45 तक रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है या इससे भी तजावज़ कर सकता है। यह है 20 मई का नक्शा, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं नाज़रीन 20 मई को जो है कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के जो मगरबी इलाके जाते हैं उनमें और इसके साथ साथ जो हमारे बलोचिस्तान के चंद इलाके हैं तो इनके ज़्यादातर मकाम पर मतलब जुजवी आबार रहने के साथ साथ हल्की बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। ताहम नाज़रीन आपको अपडेट करता चलूँ कि ये बारिश जो है लोकल डेवलपमेंट के सबब होगी और लोकल डेवलपमेंट से भी बारिशें होती रहेंगी। ताहम ज़्यादातर मकाम पर मौसम साफ और खुश्क रहने की तवक्को है। कोई सुलेमान से मलिका इलाके जिसमें हमारे डेरा गाजी खान के इलाके शामिल हैं तो इनके ज़्यादातर मकाम पर लोकल डेवलपमेंट से बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। ये डेवलपमेंट मशरकी पंजाब जिसमें बहावलपुर, बहावल नगर, रहीमर खान तक जो है बढ़ सकती है, जिससे बूंदाबांदी या बारिश, हल्की बारिश हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा। इसके साथ अगर आपको अपडेट करता चलूँ कि बाकी मुल्क के बाकी इलाकों में 20 मई तक किसी भी खतर का अच्छी बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी दी गई मालूम से मुतफिक होंगे। मौसम के हवाले से हर खबर हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी दी गई मालूमात से मुतफिक होंगे। नाज़रीन आपको अपडेट करता चलो कि बारिश बरसाना या ना बरसाना अल्लाह ताला का काम है। हम ये रिपोर्ट महज इंसानी महदूद इल्म के मुताबिक तैयार करते हैं और इसमें तब्दीली मुमकिन है और होगा वही जो परवरदिगार आलम चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।